तो गाइज फाइनली अभी मैं मेन सिटी एकदम धनबाद में आ चुका हूँ। इसी रोड पे गाइज मेरा जमीन है, ठीक है, इसी रोड के लेफ्ट साइड में। सो गाइज ये है मेन गेट जहाँ से मेरा सोसाइटी स्टार्ट होता है, इसके अंदर में ही मैंने प्लॉट लिया। हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग, आप सबका फिर से एक नए ब्लॉग पे स्वागत है। आज का जो ब्लॉग है दोस्तों बहुत ज्यादा खुशी का ब्लॉग है मेरे लिए, खास करके आज बहुत ज्यादा खास दिन है मेरे लिए, क्योंकि गाइज आप लोग देखते होंगे कि मैं यूट्यूब से जब से इनकम कर रहा हूँ, यूट्यूब जब से मैं कर रहा हूँ तब से मैं बड़ा बड़ा चीज करता रहता हूँ। लाइक मैंने अपना घर भी बनाया था, कार भी खरीदा था, ये वो आईफोन, ये बुलेट, लेकिन अभी तक कोई भी एक ऐसा इन्वेस्टमेंट नहीं किया था जिससे कि आगे फ्यूचर में वो काम आए। तो फिलहाल मैंने दोस्तों एक बहुत बड़ा इन्वेस्ट कर दिया है अपनी लाइफ में, जो कि एक बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट है मेरे लिए, और वो आने वाले टाइम पे बहुत ज्यादा मुझे हेल्प करेगा अपने इस YouTube जर्नी में और ज्यादा आगे अच्छे से काम करने के लिए। लाइक दोस्तों मैंने एक नया प्लॉट खरीद लिया है अपना नया घर बनाने के लिए, जो कि प्लॉट का जो प्राइस है, कॉस्ट है, वो इतना ज्यादा अमाउंट लगा है वो मैं आगे बताऊंगा उसका कितना प्राइस लगा है। एंड मेरे साथ अभी हेमंत है। तो गाइस आज की इस ब्लॉग को बनाने का मकसद ये है कि हम लोग अभी उसी प्लॉट पे जा रहे हैं देखने के लिए और आप लोगों को दिखाने के लिए कि मैंने कहाँ पर जगह लिया। ये जमीन जो मैंने खरीदा है दोस्तों वो मेन धनबाद सिटी में है, जो कि मैं रहता हूँ जहाँ धनबाद से वो अंदर है 14-15 किलोमीटर, जो कि गांव पड़ता है, आप लोगों ने देखा होगा मेरा गांव है, लेकिन जहाँ पर मैंने अभी प्लॉट खरीदा वो मेन एकदम धनबाद सिटी पड़ता है। वहाँ से धनबाद का जो भी मेन मेन प्लेस है वो बहुत करीब है, लाइक बिग बाजार हो गया, स्टील गेट नाम का यहाँ पर एक जगह है, बैंक मोड़, ये सब सारा करीब पड़ता है और रेलवे स्टेशन भी करीब पड़ता है। तो मेन सिटी में खुद के दम पे जमीन खरीद लिया तो एक बहुत ज़्यादा प्राउड मैं खुद पे भी फील कर रहा हूँ, बाकी मेरे घर वाले तो खुश है ही, और आप लोग को भी कहीं ना कहीं इंस्पिरेशन मिलेगा कि जब मैं कर सकता हूँ तो आप लोग क्यों नहीं कर सकते। तो चलिए आज इस ब्लॉग को यहीं से स्टार्ट करते हैं, आप लोग को दिखाते हैं वो प्लॉट मैंने कहाँ पर खरीदा है और कैसा है, कौन सा जगह है, और एक्चुअली वो एक सोसाइटी है, सोसाइटी के अंदर में मैंने खरीदा हुआ है ताकि उसमें घर बनाने के बाद मेरा प्राइवेसी का और सिक्योरिटी का भी अच्छे से ख्याल रख पाऊँ मैं, और साथ ही वहाँ पर मैं एक बहुत अच्छा सा घर भी बनाने वाला हूँ। तो चलिए अभी उसी को दिखाने के लिए चलते हैं। तो निकलते हैं यहाँ से, मॉर्निंग का टाइम है, मज़ा आ रहा है, फ्रेश फ्रेश फील भी हो रहा है, चलिए चलते हैं। तो अभी हम लोग बैठ चुके हैं अपने टाटा नेक्सॉन पे, ये गाड़ी एकदम कैसा है चकाचक ना, लेकिन अभी इसका कुछ अलग प्लान चल रहा है जो कि आप लोगों को बाद में पता चलेगा, न्यू प्लान हो रहा है कुछ अब ये गाड़ी भी शायद से दोस्तों कुछ ही दिनों के लिए आप लोगों को देखने को मिल रहा है, क्योंकि अब नेक्स्ट और न्यू कार आने वाला है, ठीक है, पता नहीं क्या मेरा मूड चेंज हो जाता है रहते रहते, लेकिन फिलहाल अभी ये गाड़ी देखते हैं कितना दिन चलाते हैं। तो चलिए यहाँ से शुरू करते हैं, चलिए लेट्स गो। तो ये हम अपना मार्केट से निकल चुके हैं, जो कि यहाँ से 15 किलोमीटर मैं जाऊंगा अभी धनबाद मेन सिटी, जहाँ पर मेरा जमीन है, मेरा जमीन है, मैं ये बोल रहा हूँ तो मुझे अलग से खुशी फील हो रही है कि मेरा जमीन है और उसका सारा रजिस्ट्री जो भी होता है ना प्लॉट में वो सारा कुछ कंप्लीट हो गया है, ले लिया मैंने क्लियर। चलिए दिखाते हैं। गाइज मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा ये जमीन खरीदने का रीजन, बहुत सारे रीजन थे जिस वजह से मैंने यहाँ पर इतना बड़ा मुझे पैसा मतलब कि इन्वेस्ट करना पड़ा, बहुत पैसा लग गया है, मैं अभी आगे बताऊंगा। ये जमीन खरीदने का पहला रीजन, गाड़ी रखने का जगह वहाँ पर मेरा है नहीं, क्योंकि मेरा घर जो बना हुआ है ना रोड साइड में एकदम फ्रंट में जगह नहीं छोड़ा हुआ है, डायरेक्ट घर है, तो गाड़ी रखने में प्रॉब्लम काफी ज्यादा होता था पहला। सेकंड क्या है कि वहाँ पर जो मेरा स्टूडियो है वो आप लोगों को वीडियो में काफी बड़ा दिखता है, लेकिन उतना बड़ा है नहीं, छोटा सा स्टूडियो है, वहीं 12x14 ऐसी कुछ स्क्वायर फीट में है, 12x14 फीट में, तो बहुत छोटा है जिसमें बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होता है वीडियो शूट करने के लिए, क्योंकि इतना सारा रिंग लाइट है, सॉफ्ट बॉक्स है, कैमरा ट्राइपॉड, ये सब रखते रखते ही मतलब सोफा वोफा में ना पूरा भर चुका है। तो नया स्टूडियो भी मुझे बनवाना है, वो भी बड़ा सा, एटलीस्ट मान के चलिए कि 20x20 फीट का स्टूडियो होगा बड़ा सा, जिसमें मेरा 3-4 टीम मुझे बनाना है और थोड़ा चैनल पे और ज्यादा आगे फोकस करना है, थोड़ा इम्प्रूव करना है, क्योंकि वहीं पे थमना नहीं है अपने को, ठीक है। तो पहला दूसरा रीजन ये हो गया कि स्टूडियो बनाना है, एंड थर्ड क्या है कि वहाँ का जो मेरा घर है वो नॉर्मल सा घर है, लेकिन अब जो मैं घर बनाने वाला हूँ एक्चुअली आप लोग बोल सकते हो कि काफी बेहतरीन घर बनाने वाला हूँ, जिसमें आप लोग को भी लगेगा कि हाँ मनोज भाई ने कुछ अच्छा अचीव किया है अपने लाइफ में। तो इतने सारे रीजन है जिस वजह से मैंने यहाँ पर इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट किया है, एंड आने वाले टाइम में मान के चलिए कि 1.5 साल के अंदर मैं आप लोग को वहाँ पर घर भी रेडी में कर दूंगा, इतना गारंटी है, ठीक है, काम करवाऊंगा उसमें, भले उसके लिए लोन वोन लेना पड़े बैंक से वो देखते हैं बाद में जैसा भी हो, लेकिन घर जल्द रेडी हो जाएगा। तो कितना पैसा लगा है एंड जगह कैसा है, कैसे प्लेस में मैंने लिया है वो तो आगे आप लोगों को मिलेगा। तो चलिए चलते हैं एंड आप लोग बने रहे वीडियो। गाइस फाइनली अभी मैं मेन सिटी एकदम धनबाद में आ चुका हूँ, तो ये आप लोग देख सकते हो लोकेशन। तो अब हम लोग को इसी रोड पे गाइज मेरा जमीन है, ठीक है, इसी रोड के लेफ्ट साइड में, तो अभी चल रहे हैं उसी मेन रोड में, ये देख सकते हैं ये NH पड़ता है, डबल रोड है, तो पूरा एकदम मेन धनबाद सिटी में जमीन मैंने खरीदा है ताकि आने वाले फ्यूचर में
मतलब अच्छे से एक लाइफ स्टाइल जी पाऊं। साथ ही यहाँ जैसे मेरे गांव में क्या होता है ना कि मैं अगर लग्जरी गाड़ी भी लेना चाहूँ सोचूं तो नहीं ले पाऊंगा। यहाँ तक कि मेरा मन था कि वरना ले लूँ, ठीक है, लेकिन वरना का जो ग्राउंड क्लियरेंस होता है वो इतना कम होता है कि वो गांव देहात में नहीं चलेगा, उसके लिए सिटी वाला रोड चाहिए। तो ये सिटी में जब मेरा घर बन जाएगा ना तब मुझे मजा आएगा, तब मैं जो सा गाड़ी चाहूँ वो गाड़ी ले सकता हूँ। और ये देखिए इधर का क्या लोकेशन है, ये बिल्डिंग देखिए नया बना है। तो चलिए अभी चल रहे हैं, फिर दिखाते हैं आप लोग। सो गाइज ये है मेन गेट जहाँ से मेरा सोसाइटी स्टार्ट होता है, इसके अंदर में ही मैंने प्लॉट लिया है। तो ये मेन गेट है देख सकते हो, एंड वहाँ से बना हुआ अभी बहुत सारा डुप्लेक्स ये सब भी है। तो बना हुआ भी मिल रहा था वो मैंने नहीं लिया, वो मैं बताऊंगा आगे क्यों नहीं लिया था। तो चलिए अभी मेन गेट से एंटर करते हैं, दिखाते हैं आप लोग। यहाँ पे गार्ड उड सब कुछ रहता है, ठीक है, ये देखिए यहाँ पे ऑफिस है, यहाँ से हमारा सिटी स्टार्ट होता है। ये देखिए यहाँ पे बना हुआ भी काफी सारा डुप्लेक्स एंड 3 BHK 4K फ्लैट सब कुछ मिलता है। तो ये मैंने ले ही लिया था, मैंने जमीन खरीदा है खुद का डिजाइन का घर बनाने के लिए, उसका रीजन मैं आगे जाके अभी बता रहा हूँ। बाकी मैं चाहता था ये बना हुआ भी ले सकता था, बना हुआ जो बिल्डिंग से ये देख सकते हैं इसका भी काफी ज्यादा बेहतरीन लुक है, ऐसा नहीं कि खराब। एंड यहाँ पे गाइस मैक्सिमम अच्छे अच्छे लोग ही रहते हैं, बड़े बड़े जो रईस लोग हैं, देखिए सबके घर में एक 4-व्हीलर दिख रहा है क्योंकि यहाँ पे सबका बस का बात नहीं कि खरीद ले, क्योंकि बहुत ज्यादा कॉस्टली है। सो गाइस मैं फाइनली पहुंच चुका हूँ जहाँ पर मेरा प्लॉट है, ये मैंने यहाँ पर अपना कार पार्क कर दिया है, एंड दिखाता हूँ। तो ये अभी आप लोग देखो लोकेशन, ये देख रहे हो ना, ये सारा प्लॉट किया हुआ है, ठीक है, यहीं सब में सारा जमीन लिया हुआ है मेरा, थोड़ा सा अंदर में है। और ये है मेन जो मैंने सोसाइटी एंटर किया उधर से, ये देखिए बहुत कोई यहाँ पर प्लॉट ले लेकर के रखे हुए हैं, ये जैसे बाउंड्री किया हुआ है, ये भी किसी का लिया हुआ है, वो भी किसी का लिया हुआ है, एंड मेरा वाला मैं दिखा रहा हूँ। और ये देखिए यहाँ पर घर भी बनना स्टार्ट हो गया है, बहुत कोई घर बनाना शुरू कर दिया है, वो देखिए घर बन रहा है उस साइड में, तो ऐसा ही कुछ अपना भी घर होगा। एंड ट्राई करूंगा कि पूरा इस एरिया में सबसे अच्छा मेरा घर नहीं वो ऐसा नहीं वाला ऐसा ही होगा, ट्राई मैं करूंगा, मतलब ऐसा ही होगा, ठीक है। तो चलिए अभी मैं दिखाता हूँ मेरा वाला प्लॉट कौन सा है, एंड देखते हैं जल्द घर बनेगा। उधर भी देखिए घर बना हुआ है, ये देखिए उधर भी कार लगा हुआ है। एंड गाइज ये वाला जो जमीन आप लोग देख रहे हो जहाँ बालू और गिट्टी गिरा हुआ है, ये वाला ये अपना है। जी हाँ गाइज फाइनली मैंने ये वाला प्लॉट खरीद लिया है, ये जो आप देख रहे हो पोल गड़ा हुआ है ना, इससे वहाँ तक एकदम सीधा उतना दीवार तक, और वहाँ जो वो पोल है ये पोल से वहाँ तक एकदम वो घर जो बना हुआ है वहाँ तक, मतलब ये जो डिस्टेंस ये है 60 फिट, एंड ये जो डिस्टेंस है इस पोल से लेकर के इस पोल तक ये है 40 फिट, मतलब चौड़ा है 40 फिट, एंड ये जो लेंथ है वो है 60 फिट। तो इतना बड़ा ज़मीन मैंने अपना ख़रीद लिया है, फिलहाल ये आपका मनोज भाई का ज़मीन है, ठीक है, यहाँ पर गिट्टी बालू गिरा हुआ है, उस वाले घर का काम चल रहा है बगल वाले का, एंड इधर भी किसी ने ख़रीद लिया है उस साइड वाला, इधर भी ख़रीदा हुआ है, मतलब सारा घर बन जाएगा। और ये देखिए एक साइड में जो है ये सारा बिजली का कनेक्शन है, एंड सेकंड साइड में ड्रेन का। तो गाइज ये वाला जो एरिया है ना ये ऐसा अभी आप लोगों को दिख रहा है, लेकिन आने वाला टाइम पे ऐसा नहीं दिखेगा, 1-2 साल बाद जो है सारा यहाँ पर घर बनने वाला, ये सारा प्लॉट जो है सेल हो चुका है, ये कुछ भी खाली नहीं है, एक प्लॉट सिर्फ ये वाला बाकी था, इसको मैंने परचेज कर लिया है, एंड इस पर मैं अपना घर बनाऊंगा। उधर भी देखिए घर बन रहा है, उधर बाउंड्री क्या वो भी घर बन जाएगा, इधर भी बन जाएगा, और उधर देखिए पूरा काम चल रहा है, वहाँ घर बन रहा है एक नया, 2x करके दिखा दो। तो सब अपना अपना हिसाब से घर बना रहा है, उधर देखिए एक घर बन रहा है उस साइड में बड़ा सा, उधर भी घर बन रहा है, तो सब अपने अपने डिजाइन से। अब मैं बताता हूँ ये प्लॉट मैंने क्यों लिया, बना हुआ घर भी देख लिया मिल रहा था वो डुप्लेक्स जो आप लोगों ने देखा, लेकिन मैंने जो हूँ अपना प्लॉट मैंने ले लिया, रीज़न ये है कि गाइस मुझे अपना हिसाब से घर बनाना है, अपना डिजाइन से अपना पसंद का, एंड मुझे अपना एक स्टूडियो बनाना है बड़ा सा, वो तो मैं अपना बनाऊंगा ना डिजाइन से, और अगर बना हुआ ले लेता तो उसमें क्या होता कि छोटा सा रूम बना हुआ ऑलरेडी मिलता, तो उसमें मैं अपना स्टूडियो नहीं बना सकता था, इसीलिए मैंने प्लॉट खरीदा है ताकि मैं अपने हिसाब से यहाँ पर सारा काम करवा सकूँ, एक बड़ा सा स्टूडियो बना पाऊँ। तो आप लोग बस मेरे से कनेक्टेड रहिए, आने वाला टाइम में आप लोगों को दिख जाएगा कि कैसा स्टूडियो बनता है, कैसा घर बनता है, एंड मैं 2022 में ही यहाँ पर घर बनाना काम मेरा स्टार्ट हो जाएगा 2022 में। एंड ये कौन सा जगह है क्या नाम है वो नहीं बताऊँगा, नहीं तो फिर हो गया फिर, ठीक है, वो
वहाँ नहीं रह के यहाँ जमीन लेने का भी एक ये भी वजह है कि बहुत ज़्यादा क्राउड हो जाता है आजकल। मेरा एड्रेस लीक हो चुका है एक्चुअली वो वाला पुराने घर का, तो बस यही है अपना प्लॉट है। तो आप लोग कॉन्ग्रेट्स जरूर कमेंट कर देना नीचे कमेंट में, एंड बहुत ज़्यादा खुशी हो रहा है कि मैंने अपने खुद के दम पे ही लिया है, एंड पापा मम्मी घर वाले फैमिली काफ़ी ज़्यादा खुश है इस चीज़ से कि चलिए मेरा हमारा अपना भी मेन धनबाद में जो है ज़मीन हो चुका है। अब बात रहा इसका कितना पड़ा प्राइस, तो प्राइस तो मैं क्लियर नहीं बताऊंगा क्योंकि जो यहाँ के ऑनर है जिन्होंने सेल किया है उन्होंने मना किया था। अप्रोक्स मैं बता देते, एक फॉर्चूनर का जो अभी कीमत है अब मान के चलिए उतना पैसा इस प्लॉट में लग चुका है सिर्फ इतना, क्योंकि मेन सिटी है इतना ही छोटा सा ज़मीन का। यहाँ तक कि हमारा धनबाद में तो ज़मीन का थोड़ा कम रेट है, इतना ज़मीन का अलग जगह में बिहार साइड में और ज़्यादा महंगा है ये मुझे पता है। तो यहाँ पर एक फॉर्चूनर का जो रेट है उतना लगा है, आप लोग जा करके नेट में सर्च करके देख लेना पता चल जाएगा। बाकी यहाँ पर घर भी बनाऊंगा तो उसमें भी बहुत ज़्यादा खर्चा है अभी, क्योंकि अच्छा बंगलो बनाना है ना गार्डन छोड़ देंगे आगे में फ्रंट में 15-20 फीट का, एंड गाड़ी पार्किंग के लिए गैराज वराज सब कुछ बन जाएगा। तो बस यही था, एंड चलिए अभी और भी काम है निकलना है, थोड़ा एक शोरूम जाना है, थोड़ा गाड़ी का भी काम है, तो चलिए आगे देखते हैं कंटिन्यू करते हैं क्या होता है। सो गाइज आप लोगों को मैंने सारा दिखा दिया कि कहाँ प्लॉट है क्या है, यहीं वाला सारा देख सकते हैं, इसी लाइन पे है मेरा। यार इसी तरह का ब्रांच रोड बना हुआ बहुत सारा, उधर बहुत सारा घर भी बन रहा है, तो वो सब भी मैं किसी दिन कवर करूँगा दिखाऊँगा कैसा कैसा घर भी बन रहा है यहाँ पर, बाकी दूसरे का क्या देखना खुद का बनाना है। एंड चलिए अभी यहाँ से निकल रहे हैं और थोड़ा सा चलते हैं अभी शोरूम पर काम है बने रहे। तो गाइज अभी हम लोग आ चुके हैं ह्यूंडई शोरूम पर, यहाँ पर थोड़ा काम है, अविनाश आ रहा है कार देखना है, उसको भी गाड़ी लेना है, तो वहीं हम लोग देखेंगे अभी i20 और क्रेटा जो भी बेटर होगा वो लेने वाला है। एंड चलिए थोड़ा शोरूम पे चलते हैं गाड़ी देखते हैं। ये है ह्यूंडई शोरूम, चंदन जी आ गए हैं यहाँ पे। सो गाइस हमने कार उर देख लिया सब कुछ, पसंद आया? नहीं। ये रहा अविनाश, पसंद नहीं आया ना? एकदम i20 देख रहे थे एकदम बकवास लगा, ठीक है। तो अभी फिलहाल हम लोग आए हैं डोसा खाने के लिए, पहले खा लेते हैं भूख लगा हुआ है, चलें। तो गाइस हमारा यहाँ पर डोसा आ गया है और ये फर्स्ट टाइम देखिए इतना बड़ा बड़ा डोसा नजर आ रहा है ना, थोड़ा ओवर साइज है कि नहीं, पूरा खतरनाक खाने में लेकिन टेस्टी लगेगा। तो चलिए अभी खाते हैं, टेस्टी है यहाँ का, मेरा फर्स्ट टाइम। सो गाइस गुड मॉर्निंग, ये है नेक्स्ट डे, मैं कल घर आ चुका था। तो दोस्तों मैंने फाइनली जो है आप लोगों को दिखा दिया कि मैंने कहाँ पर अपना प्लॉट लिया है, एंड उसमें देखते हैं 2022 में वहाँ पर काम भी स्टार्ट हो जाएगा, अपना नया स्टूडियो बन जाएगा। ये जो स्टूडियो देख रही है वो काफ़ी ज़्यादा छोटा पड़ने लगा है, तो देखते आने वाला टाइम पे बहुत कुछ आप लोगों को नया नया देखने को मिलेगा, ठीक है। अभी तो स्टार्ट हुआ है, तो बस यही आप लोगों के साथ शेयर करना था। मैं कुछ भी छुपाता नहीं हूँ, मैं जो भी अपने लाइफ में कर रहा हूँ वो मैं आप लोगों को सब कुछ लगभग दिखा देता हूँ, ताकि आप लोग को भी थोड़ा सा इंस्पिरेशन मिले या फिर मोटिवेशन मिले कि चलिए वो अच्छा बंदा काम कर रहा था, मैं भी ट्राई करूँगा, मैं भी मेहनत करूँगा। इसलिए मैं हर कुछ दिखा देता हूँ, कुछ भी छुपाता नहीं। तो अगर वीडियो पसंद आई आज के ये ब्लॉग तो लाइक कर देना, एंड चैनल पर नए तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, आगे भी इस तरह की वीडियो मिलती रहेगी ब्लॉग्स। चलिए आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद वंदे मातरम।